नौवीं दसवीं का इम्तिहान जो है वो चार मजामीन में होगा, बाकी जो मजामीन है उनमें नहीं होगा। ग्यारहवीं बारहवीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। दसवीं और बारहवीं के इम्तिहान पहले होंगे और नौवीं और ग्यारहवीं के इम्तिहान जो है वो बाद में होंगे। तलबा की दुआएं रंग ले आईं, सिलेबस की जगह पेपर कम हो गए। नवीं और दसवीं के इम्तिहान चार मजामीन में होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर और रियाजी के पेपर्स होंगे। अंग्रेजी, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात के इम्तिहान नहीं होंगे। साइंस मजामीन के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। ग्यारहवीं और बारहवीं के सिर्फ लाजमी मजामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान 10 जुलाई के बाद होंगे। बच्चों की तैयारी के लिए हर पेपर में मुनासिब वक्फा रखा जाएगा। सितंबर के तीसरे हफ्ते तक तमाम इम्तिहान के नतज आ जाएंगे। तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खुलने का ऐलान। बैनसूबाई वज्रा तालीम के अजलास में बड़े फैसले। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि तलबा की कोर्स पूरा ना होने की शिकायत दुरुस्त है। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ मिला वो मिसाल नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान मामलात बगैर अदालती कार्रवाई तय पा गए। शहबाज शरीफ के वकील की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी। हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। जस्टिस एजाजुल अहसन का रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट से मुकालमा, पूछा केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर। हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए 30 मिनट दिए गए। हाईकोर्ट ने यह भी नहीं पूछा शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है, एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मे की दोपहर 12 बजे समाप्त हुई, बताया जाए कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया, क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाईकोर्ट ने किया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ACL पर है, उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली है, लिहाजा तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है क्योंकि अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी। उनसे हम गद्दारी करेंगे, इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। भारत के साथ तजारत कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान का वाजे और दो टोक मौकफ, कहा भारत का एक तरफा इकदाम वापस लेने तक ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से ऐसी जगह पर है जो सारे खित्ते को जोड़ सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार भारत पर है, जब तक वो पीछे नहीं हटता ये अमल रुका रहेगा। ताजिकिस्तान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने यह भी कहा कि अमरीका के इनखिला के पहले अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और पुरअमन सियासी हल जरूरी है, वहां ऐसी हुकूमत हो जो इंतशार को रोक सके, वरना फिर दहशतगर्दी सर उठाएगी जो तिजारत को भी मुतासिर करेगी। इंसाफ के मसाइल दुनिया भर में आया है, मसले कश्मीर और फलस्तीन पर अक़वामे मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ECO पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी सेशन से खिताब, कहा हमारे खित्ते के पास बेहतरीन मौके हैं, खित्ते के मसाइल हल कर लें तो हम पावर हाउस बन जाएंगे। अफगानिस्तान में बेअमनी से पूरा खित्ता मुतासर होता है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पुरअमन इंतकाल इकतदार चाहते हैं। पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं, हमें मिलकर माहौलियाती तब्दीली के लिए कोशिशें करनी चाहिए। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल वज़ीर आज़म के सामने पेश। वज़ीर दाखला शेख रशीद की इमरान खान से मुलाकात, मुल्क की सियासी और अमनो अमान से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखला ने दौरा सिंध से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, वज़ीर आला सिंध से होने वाली मुलाकात से भी आगाह किया।
नैब की गैर जानबदारी तो हम सब जानते हैं। आज भी अपनों के मुकदमे एंटी करप्शन और मुखालिफिन को नैब में फंसाया जाता है। जस्टिस सरदार तारिक के खुर्शीद शाह के जमानत के केस में रिमार्क्स, कहा बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात और बेटा कल तलब। खुलकर बात करने की आड़ में जो मुंह में आए बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी के केस में रिमार्क्स, कहा तमाम जजेस जमीर के कैदी हैं और इंसाफ फराहम करने के लिए काम करते हैं। जजेस फैसलों में एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर करते हैं, लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया के हवाले से बहुत मनफी तकरीर की। जिस अदलिया को बुरा कहा अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदलिया ने शौकत अजीज सिद्दीकी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया था। जवाब में दो माह बाद शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया के साथ जो किया वो भी देखें। मुस्लिम लीग नून ने बजट का रास्ता रोकने के लिए कमर कस ली। प्री बजट सेमिनार कल होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं ये हकीकत है कि इतनी जबरदस्त महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। भूख और अफलास ने गरीबों के घरों में डेरे डाल रखे हैं। कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। हुकूमत का बेरहम सुनामी अवाम को निगल रहा है। अवाम पर बदतरीन महंगाई का कलंक इमरान खान के माथे पर लग चुका। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने 2 करोड़ अफराद को गुर्बत में डाल दिया। 1 करोड़ बच्चे भूखे सो रहे हैं। जितना बैरूनी कर्जा इन्होंने लिया इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने मुल्क को 13,000 करोड़ रुपए का मकरूज कर दिया। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा वो शराय नमू से परेशान है। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं इल्जाम लगाने वालों ने अपने दौर में मईशत को तबाह किया। पीडीएम अरकान अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। मुआशी रफ्तार से अपोजिशन बोखलाहट का शिकार है। पीडीएम को बताना चाहता हूँ अगले साल मुआशी तरक्की की शरह 5% होगी। साबिक हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई थी, हमने कौम को बचाया। वफाकी बजट में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीटीआई हुकूमत बजट में भारी टैक्स लगाकर मामूली तनख्वाहें वसूल करने वालों पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। महंगाई से परेशान आवाम पर नए टैक्सेस का बोझ मुस्तरद करते हैं। बजट में आम आदमी को मुआशी तौर पर कुचलने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल साहब आपके पेट में अवाम का नहीं इक्तदार का दर्द है। बजट अवाम दोस्त होगा। मुजीरे मुमलिकत फारूक हबीब का जवाब पूछा, बिलावल साहब सिंध में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? कराची में जमीनें, पार्क, खेलों के मैदान और सड़कें कब्जा माफिया और चाइना कटिंग का शिकार हो गई। इन्हें किस तरह बहाल किया जाएगा? विफाकी बजट में खालिस टैक्स वसूली का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला। एक्सप्रेस न्यूज़ ने बजट दस्तावेज 7 की कॉपी हासिल कर ली। अगले माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 2,122 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में वसूली का हदफ 356 अरब रुपये रखा जाएगा। कस्टम ड्यूटी की मद में वसूली का हदफ 785 अरब रुपये। इनकम टैक्स वसूली के लिए ग्रोथ का हदफ 22% और सेल्स टैक्स वसूली में ग्रोथ का हदफ 30% होगा। पंजाब भारी कर्जों के बोझ तले, सूबे के जिम्मे 9 खरब 8 अरब रुपए का भारी कर्जा। आइंदा 36 साल तक सूद समेत असल रकम की मद में अदायगियां करना पड़ेंगी। महकमे खजाना के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन की वजह से कर्जों की सालाना अदायगी के बोझ में 16 अरब रुपए का इजाफा हुआ। पंजाब को इस वक्त कर्जों की अदायगी की मद में सालाना 62 अरब रुपये से जायद की अदायगी करना पड़ती है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के 12 मुआहिदों पर दस्तखत। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और सकाफत के हवाले से मुआहिदे किए गए। करप्शन की रोकथाम के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की वजीर आजम हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। ताजिकिस्तान के सदर से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी मिले।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली के नजदीक फील्ड ट्रेनिंग एरिया का दौरा। ISPR के मुताबिक तस्खीरे जबल मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी शेख अली बिन अब्दुल्ला अस्सानी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाज़ी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने वॉर कोर्स में शामिल मुल्की और गैर मुल्की तलबा से मुलाकात की। कहा, मुल्की दिफा में मुसल्ला अफवाज ने ग्रां कदर कुर्बानियां दी। पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। नैब का मेगा करप्शन केसों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कौमी एहतिसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि बदउनवान अनासिर से मुल्क और कौम की लूटी गई रकूम की वापसी के लिए नैब पुरअज़्म है। मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर, आटा स्कैंडल, जाली अकाउंट्स, आमदन से जायद असासे, गैर कानूनी सोसाइटीज के मुलजिमों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। सिंध में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट की KMC और तमाम DMCs को कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी मुश्किल से 8 साल बाद बाला बने हैं, कानून बन गया है, इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अमल दरामद में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। KP असेंबली में हंगामा। खातून रुकन का महकमे सेहत की जानिब से जवाब न देने पर एहतजाज। एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। वजीर सेहत के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। शौकत यूसुफ जई ने जवाब दिया, सेहत का महकमा मुश्किल होता है, यह असेंबली है चौक नहीं जहां चोरी के इल्जाम लगाए जाएं। इस बात पर अपोजिशन अरकान का शोर, चोर चोर के नारे। शोला बयान रहनुमाओं में गपशप। पंजाब असेंबली के बाहर नई मिसाल कायम। फयाजुल हसन चौहान ने अजमा बुखारी को PTI पर तनकीद की खुद दावत दी। अजमा बुखारी का भी सूबाई वजीर को वजारत से इस्तीफा देकर ओपोजिशन में शामिल होने का मशवरा। कोरोना थम गया, पाकिस्तान में केसेस की शरह में मुसलसल कमी, 4% से भी नीचे आ गई। एक दिन में 1843 नए केस, 80 अमवात। वजीर आजम की हिदायत पर NCOC का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। रवां साल 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। असद उमर कहते हैं, ताजिर बरादरी कम से कम पाबंदियों के साथ अपने कारोबार जारी रखेंगे। सिंध और पंजाब में पानी का तनाज़ संगीन। गुद्दू के बाद सखर बैराज पर भी पानी की आमद और अखराज का डिस्चार्ज टेबल ना होने का इंकशाफ। पंजाब ने इरसा को रिपोर्ट भिजवा दी। कहा, पंजाब की 3 रुकनी टीम ने सखर बैराज का दौरा किया। अमले ने पानी के बहाव के हवाले से कोई टेबल नहीं देखा। बैराज पर पानी मापने का गेज भी खराब था। सखर बैराज से निकलने वाली दादू कैनाल के हेड का गेज व्हील भी मट्टी से भरा पाया गया। इरसा ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर पानी की सूरत हाल मापने के लिए फार्मूले तय किए थे। पंजाब टीपी लिंक केनाल अब तक खोलकर बैठा हुआ है। झूठे लेटर पर लिंक केनाल खोली गई। सिंध के वजीरे आपाशी सुहेल अनवर सयाल के इल्जामात। कहा, वजीरे आजम को बता दिया था, इनकी जमात अजीब चीजें कर रही है, हमारा केस बिल्कुल सादा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सिंध पर पानी चोरी का इल्जाम लगा दिया। लियाकत चौहानी ने कहा कि 1000 क्यूसिक पानी चोरी हो रहा है, 1000 एकड़ जमीन पर फसलें तबाह हो जाएंगी। वोग मैगजीन ने नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को अपने सरवर की जीनत बना दिया। मलाला कहती हैं, अपनी सकाफत के अंदर रहकर भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं।
आगाज अहम खबर से। खबर यह है कि तलबा की दुआएं रंग ले आई हैं। जी हां, सिलेबस की जगह पेपर कम हो गए हैं। नवीं और दसवीं के तलबा को सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर और रियाजी का इम्तिहान देना होगा। नवीं दसवीं के तलबा को सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या रियाजी का इम्तिहान देना होगा। हुकूमत का हर सूरत बोर्ड इम्तिहानात लेने का फैसला। तलबा की दुआएं रंग ले आईं, सिलेबस की जगह पेपर कम हो गए। नौवीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मजामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा, ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर। बैन सूबाई वज़राए तालीम इजलास के बाद वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने इम्तिहानात का शेड्यूल बताया। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि तीसरे हफ्ते सितंबर तक सारे रिजल्ट जो है वो आ जाएं। ओ लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि वो एक स्पेशल एग्जाम जुलाई में लेंगे, 26 जुलाई से 6 अगस्त तक। वफाकी वज़ीर तालीम ने कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक भी वजाहत कर दी। कोई भी उस्ताद जो इम्तिहान लेगा वो कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर नहीं लेगा, और इसलिए हमने प्रायोरिटी दी है कि सारे जो टीचर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने के फैसले की भी तौसीक की गई। ज़ैहम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और बच्चों की मौजें खत्म होने को हैं। 7 जून से तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। माएँ स्कूल खुलने पर खुश नजर आ रही हैं। बच्चों का बहुत हर्ज हो गया था, बच्चे बहुत शरारती हो गए थे, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है कि स्कूल खुल गए हैं, हमारे बच्चे रेगुलर जाएंगे। हम तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि घर रह रहे के बच्चे इतने शरारती हो गए थे, कि बस बच्चे काफ़ी जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन अब शुक्र है स्कूल खुल रहे हैं दोबारा से, और बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। 1-1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उनका काफ़ी पढ़ाई से हर्ज हो रहा था। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि स्कूल रीओपन हो गए हैं। बच्चों की तालीम और उनकी रूटीन बड़ी ख़राब हुई हुई थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। ब्लैक लिस्ट में नाम का मामला सुप्रीम कोर्ट में, हुकूमत और शहबाज शरीफ में मामला बगैर अदालती कार्रवाई तय पा गए। और हुकूमत ने अपील वापस ले ली। ब्लैक लिस्ट में नाम का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में, हुकूमत और शहबाज शरीफ में मामला तय पा गए। हुकूमत ने अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत के दौरान हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत को तौहीन अदालत केस की पैरवी न करने की यकीन दहानी करवा दी, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों में खाली असामियों पर फौरी तैनातियों का हुक्म दे दिया और रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। दौरान समाज जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी मुकदमात में मुलजिम की नकलो हरकत को कैसे महदूद किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट में वफाकी हुकूमत का मौकफ सुना गया। फैसला जल्द आ जाए तो मुसीबत, ताखीर हो तो भी मुसीबत। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश किया, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मा को 12 बजे समाप्त हुई, बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया। हाईकोर्ट ने ये भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाईकोर्ट ने किया। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको। वफाकी वज़ीर-ए-इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल पर है, उन्होंने अपनी
अपनी पिटीशन वापस ले ली है। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर है। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर है, उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली है, तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। भारत के साथ तिजारत कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जिसमें उन्होंने कहा भारत के साथ तिजारत कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा भारत का यकतरफा इक़दाम वापस देने तक ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर भारत को वाज़े पैगाम दे दिया। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने अफगानिस्तान में अमन को ज़रूरी करार दिया। दोनों मुल्कों के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, कि जब अमेरिकन छोड़ के जाएँ अफगानिस्तान को तो वहाँ स्टेबिलिटी हो, एक कंसेंसस, एक ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जो ये इंतशार को रोक सके। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने कहा पाकिस्तान के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तवानाई, सकाफत और तालीम के शोबों में तआवुन के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस पहुँचने पर ताजिक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।